पाकिस्तानी अभिनेत्रियों का जिक्र जब भी कहीं होता है तो उन अभिनेत्रियों में सबसे टॉप पर जयप्रदा का नाम लिया जाता है, जो सौंदर्य और अभिनय का परफेक्ट मेल है और अपने हुनर का जलवा अब तक ना सिर्फ साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों बल्कि राजनीति में भी बिखेर चुकी हैं। इसलिए तो बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहने के बाद आज भी इन्हें उनके किरदारों और नूर से खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती से सभी के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने साल 1974 में तेलुगु फिल्म भूमि कसम में बतौर सहायक अभिनेत्री का काम किया और इस फिल्म के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए इन्हें महज 10 रुपए दिए जाते थे, पर फिर भी इन्होंने कोई गिला शिकवा ना करते हुए इस फिल्म में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से इन्हें टॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। टॉलीवुड में सफलता हासिल करने के बाद इन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की ओर कर लिया और साल 1979 में आई फिल्म सरगम में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म में इनके इसी अंदाज को देखकर कई और निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्म में काम करने के ऑफर दिए और इन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया, जिनमें टक्कर, कामचोर, मवाली, धर्म और कानून, मेरा फैसला और शराबी जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन्हें आखिरी बार साल 2013 में फिल्म रज्जो में जानकी देवी का किरदार निभाते हुए देखा गया था। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, जिसके बाद उन्होंने राजनीति को ज्वाइन कर लिया है और राज्यसभा में रामपुर का नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के बेटे के बारे में तो आपको बता दें, इनका अपना कोई बेटा नहीं है, पर इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था जिनका नाम सिद्धू है, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता हैं और बहुत ही हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसलिए ये वो तो फेमस हैं ही, पर बॉलीवुड में इनके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो आपको बता दें, ये शादीशुदा हैं और इन्होंने पिछले ही साल अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की थी, जहाँ श्रीदेवी भी मौजूद थे। इस शादी में श्रीदेवी ने अपने और जयप्रदा के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को भी खत्म कर दिया था। लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स के बारे में तो ये लुक्स के मामले में काफी स्टाइलिश हैं और दिखने में भी काफी हैंडसम हैं, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस खूबसूरत अभिनेत्री का अभिनय किस फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद आया था? आप इनके बेटे के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।